प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम फिर से पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का शेष भाग। दो क्वेश्चन शेष रह गए हैं, वो देखें ध्यान से। 280 रुपये की राशि क्वेश्चन नंबर 9 है। 280 रुपये की राशि चार पुरस्कारों में बांटनी है। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार पुरस्कार 20 रुपये कम होता जाता है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करें। तो 280 रुपये हैं, चार आदमियों को या चार बच्चों को पुरस्कार में बांटना है। इसको बांटने के लिए शर्त यह है कि पहले पुरस्कार के बाद जितने भी पुरस्कार, तीन पुरस्कार और मिलेंगे, वो प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपये कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि पहले को यदि 100 मिलते हैं तो दूसरे आदमी को 20 कम 80 मिलेंगे, तीसरे को फिर उससे 20 कम यानी 60 मिलेंगे, चौथे को फिर उससे 20 कम यानी 40 मिलेंगे और सबका जोड़ 280 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। तो माना प्रथम पुरस्कार या फर्स्ट प्राइज एक्स, सेकंड प्राइज मान लेंगे एक्स माइनस 20, थर्ड प्राइज मान लेंगे एक्स माइनस 40 और चौथा प्राइज मान लेंगे एक्स माइनस 60। हर बार 20 कम होता गया, इससे 20 कम है ये, इससे फिर 20 कम ये है, इससे फिर 20 कम ये है, और ये चारों पुरस्कारों को जोड़ने पर राशि कितनी है? 280 रुपये, क्योंकि 280 रुपये को बांटना है चारों में। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 बराबर है 280 के। सबका जोड़ 280 आना चाहिए। अब देखिए, एक एक्स दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स, सारे एक्स प्लस के हैं, तो चारों एक्स जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। अब देखें, 60 माइनस के हैं, 40 माइनस के हैं और 20 भी माइनस के हैं, तो माइनस के 120 हो गए, बराबर आ गया 280। ये माइनस के 120 हैं, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बराबर का निशान क्रॉस करके जब ये इधर जाएंगे तो माइनस के हैं तो ये 120 प्लस के हो जाएंगे, यानी 4x बराबर आ जाएगा 400। x बराबर 400 बटे 4, क्योंकि ये 4 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100, यानी कि हमारा पहला प्राइज जो है वो आ गया 100। दूसरा प्राइज हमें बताना है तो वो आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80। तीसरा प्राइज आ जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60। चौथा प्राइज आ जाएगा 100 माइनस 60 यानी कि 40 रुपये।
और पहला प्राइज हमारा है 100 रुपये, क्योंकि x का मान 100 है। अब इन सब को जोड़कर देखें, यदि ये 280 आते हैं तब तो सही हैं, अगर 280 नहीं आते तो उत्तर हमारे गलत हैं। तो 60 और 40 100, 200, 280, तो सबका जोड़ 280 हो रहा है। सारे प्रत्येक पुरस्कार आगे वाले पुरस्कार से 20 कम है, इसलिए हमारा आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे और सातवें वर्ष में छह सौ टीवी व सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का निर्माण करता है। फिर हमारे से आगे प्रश्न पूछे इसने, तो ज्ञात करो नंबर एक क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, नंबर दो सातवें वर्ष में उत्पादन, दसवें वर्ष में उत्पादन, और नंबर तीन 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब ये है कि 7 वर्षों के टीवी सेटों के उत्पादनों का योग बताना है। कुल का मतलब योग होता है। अब देखें तो यहाँ पर तीसरे वर्ष में जो उत्पादन है वो श्रेणी का तीसरा पद है, यानी यदि हम इसको एक श्रेणी में लें, समांतर श्रेणी में, तो तीसरे वर्ष में जो उत्पादन है वो तीसरा पद हो गया श्रेणी का, यानी A3 हो गया, जिसका मान 600 है। और सातवें वर्ष में जो उत्पादन है वो श्रेणी का सातवां पद हो गया, यानी कि A7, ये 700 है। इसकी अगर हम समीकरण बनाएं तो ये तीसरा पद दिया गया है, इसका मतलब इसको लिखते हैं A+2D समीकरण के रूप में लिखें तो बराबर आ गया 600। आपको बताया गया है, पहले कई बार बता चुका हूं मैं चैप्टर के शुरुआत में, कि जैसे A2 है तो इसको A+D लिखते हैं, तीसरा पद A3 है तो इसको A+2D लिखते हैं, चौथा प्लस A4 है तो इसको A+3D लिखते हैं। जब हम समीकरण के रूप में इनको लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है कि दूसरा पद है तो 1D जुड़ता है पहले पद में, अगर तीसरा है तो इससे एक कम 2D जुड़ता है पहले पद में, अगर चौथा है तो इससे एक कम D से गुणा होकर के, यानी 3D पहले पद में जुड़ जाता है,
अगर 50वां पद है तो ए प्लस 49 डी, यानी डी को 49 से गुणा करके पहले पद में जोड़ा जाता है। ए हम जानते ही हैं पहला पद होता है, डी सर्व अंतर होता है। इसी के अनुसार जब ये तीसरा पद है श्रेणी का, तीसरे वर्ष में टीवी सेटों का उत्पादन, तो ये मैंने लिखा है ए प्लस 2D, और इसका मान 600 है, तो ये 600 बराबर आ गया। इसी प्रकार ए 7 को लिखें तो ये आ जाएगा ए प्लस 6D बराबर 700। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब जैसे ही हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी ये पता चल जाएगा कि हर साल ये टीवी निर्माता कितने सेट अधिक उत्पादन कर रहा है या कितने बढ़ा रहा है हर साल। तो घटाने पर निशान नीचे वाली संख्या के बदल जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएंगे माइनस के 4D और यहाँ बच जाएंगे माइनस के 100, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर 100 बटे में आ जाएगा 4, यानी डी बराबर आ जाएगा 25। यानी हमें अब ये पता चल गया कि ये टीवी सेटों का जो निर्माता है वो हर साल 25 टीवी ज़्यादा बनाता जाता है, आगे से आगे हर साल 25 टीवी सेटों की बढ़ोतरी ये करता है। तो ये सर्व अंतर डी आ गया 25। डी का मान जैसे ही हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो ए का मान हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो ए प्लस 2D बराबर है 600, ए का मान हमें पता नहीं है, 2 गुणा डी का मान है हमारे पास 25 बराबर है 600। अब मैंने डी के मान को समीकरण 1 में रख दिया, ए प्लस 2D बराबर 600, ये समीकरण 2 है आपकी। इसमें देखिए मैंने ए का तो ए ले लिया, प्लस 2 गुणा में डी का मान 25 बराबर 600। अब ए प्लस 25 दुनी ये आ गया 50 बराबर आ गया 600, ए बराबर 600 में से ये 50 इधर तो प्लस के हैं, इस साइड में जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ए बराबर आ गया 550। इस प्रकार से हम पहले पद को ज्ञात कर सकते हैं, श्रेणी का प्रथम पद, यानी हमें यही पूछा था कि प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या है, तो प्रथम वर्ष का उत्पादन आ गया हमारा 550। तो लिख देंगे, अतः प्रथम वर्ष का उत्पादन है 550। अब हमें निकालना है दूसरा प्रश्न, दसवें वर्ष में उत्पादन बताना है। तो दसवें वर्ष में उत्पादन बताने के लिए देखिए, दसवां पद बताना है श्रेणी का ए दस, ए दस को लिखेंगे ए प्लस 9D, ए का मान हमारे पास आ गया 550 प्लस 9 गुणा डी का मान है हमारे पास 25, तो ये आ गया 550। 25 को 9 से गुणा करें तो 25 निमा 225, 775 टीवी सेट बनेंगे। ये आ गया हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब। तीसरा प्रश्न पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन देखेंगे, तो देखिए ए का मान हमारे पास 550 है, अंतिम पद जो 7 वर्षों का बताना है उत्पादन, तो अंतिम पद 700 है, 7वां पद ही अंतिम पद होगा। फिर 7 वर्षों का कुल उत्पादन बताना है, तो 7वें साल जो उत्पादन है वो अंतिम पद होगा, पहला पद 550 हो ही गया। SN का सूत्र लगा देंगे, SN बराबर N बटे 2 ए प्लस एन। अब 7 ही वर्षों का उत्पादन बताना है, तो एन का मान 7 हो गया, तो एन की जगह 7 आ जाएगा। ए का मान 550 हमने निकाला ही था, एन का मान हमारे पास देखिए 700 है,
क्योंकि अंतिम पद सातवां पद हो गया ना, फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताया तो ये हो गया हमारे पास 700। कुल मिलाकर के ये 7/2, 7×5 1250, ये हो गया। अब इसको काट दें, 6×12, 2×4, 5×10, और 7 से 725 को गुणा कर दें, 5×7=35, हंसल लगी 3, 7×14 और 3×17 और 7×6=42 और 1×43, तो 4375 टीवी सेटों का उत्पादन 10वें वर्ष में होगा। अब ये 5वीं प्रश्नावली का टॉपिक समांतर श्रेणी जो था हमारा, ये तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ मैं, वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त के बारे में छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि वर्त किसे बोलते हैं, वर्त कैसा होता है। अगर परिभाषा नहीं भी आती हो तो कम से कम वर्त आपने देखा तो होगा कि वर्त होता कैसा है। तो वर्त देखिए,